सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। ये जो इतना नाम डाला उसमें और जो नेता उनको जोड़ देगा सिर्फ नाम बदलने का काम किया, बाकी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से 5 लाख रुपए दे रहे हैं 100% गारंटेड उसका इलाज कराने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछली कांग्रेस सरकार ने जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाजरा हमारा राजस्थान का मुख्य फसल होती है बाजरा ज्वार का इनका जो 1300 रुपए के अंदर जो बाजरा ज्वार बिकता था इनका समर्थन मूल्य लगभग 2100-2200 रुपए हमारे प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य जारी किया, बाकी राजस्थान सरकार ने 5 साल उसको नहीं खरीदा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जहाँ कम पानी के अंदर हमारा बाजरा था बाजरा को 100% हमारे राजस्थान सरकार उसको एमएसपी पे खरीदने की आपको गारंटी देते हैं 100% खरीदेंगे। इन्होंने 5 साल में लोगों ने हमसे प्रसन्न किया जब हरियाणा का सरकार बाजरा खरीद रही है, गुजरात सरकार बाजरा खरीद रही है, राजस्थान कुंजी खरीद रही है, जब हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया भाई आप लोगों ने क्या केंद्र सरकार को परमिशन नहीं दी गया आप बाजरा कुंजी खरीद रहे, तब हमारे पास जवाब आया साहब हमने वहां से खरीदने का लेटर ही नहीं भेजा। अरे सिर्फ इन्होंने एक ही काम किया लूटने का। आज कोयला के अंदर कोयला में हीरा लाल जी ज्यादा नहीं बोल पाए, मैं आपको बता दूं कोयले के अंदर जब कोयला आता है बाहर से उसके अंदर बिजली लगभग 0.7% में उत्पादन होता है उसका प्रोडक्शन आता है, इन्होंने केवल 50% क्योंकि इन्होंने उसमें भ्रष्टाचार किया 50-70% पत्थर मिला मिला के ले गया। किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं किया, चाहे पानी हो चाहे बिजली हो हर क्षेत्र में इन्होंने लूटने का काम किया। आज वो लूट बंद होगी तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग चिल्ला रहे हैं साहब ये नहीं कर रहे भजन लाल जी ये सरकार ये नहीं कर रहे। अरे भैया सरकार तो सब कुछ करेगी, आपको तकलीफ हो रही है आपके चिल्लाने से काम नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों को इतना रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सब लोगों के लिए हमारी सरकार आने वाले टाइम में विशेषकर किसानों के भले के लिए जितना कर सकते हो करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है जिन लोगों के प्रधानमंत्री आवास नहीं आए, मैं कई जगह गाँव में जाता हूँ कई लोग महिलाएं कहते हैं कि साहब मारो तो नंबर ही ना आ रहे हो मारो नंबर कहते आओ लो अरे भाई तारे भी केबल जाओ देखा हमारा टाइम है एक भी आदमी का एक भी महिला का घर नहीं रखेंगे, जो भी छुट्टी है सबका घर बढ़ा के हमारे प्रधानमंत्री 3 करोड़ मकान को बढ़ा के देंगे, उसमें टोंक जिलेगा कोई नंबर कम नहीं होगा। ये सारी चीजें आज मैं सड़क की बात करूँ सड़क के अंदर जब विधानसभा के अंदर बीच के अंदर हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी कई बार गई थी मेरे पास सवाल आया कई नाजो जी के विधायक जी ने मेरे से पूछा कि साहब आप हमारे यहाँ सड़कें कब बनाओगे, मैंने विभाग से मालूम किया कि भाई बताओ इनका बजट भी क्या होता है इसमें, तो जब पता लगा बजट इन्होंने 5,000 करोड़ का लिया था और काम टेंडर वर्क ऑर्डर देकर 12,000 करोड़ के चले गए, यानी आने वाले टाइम में इस साल में बजट 7,000 करोड़ और मिलाएंगे तो भी 2025 तक कब उनके काम इन्होंने जितना हो सकता था एडवांस बजट में करने का इन्होंने काम किया। तो ये सरकार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस तरह से जो झूठे वादे किए ये किए, बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उन्होंने जो काम चालू किया किसी को बंद नहीं करेंगे उनको भी पूरा करेंगे, और जो जो आप लोगों की जो भी डिमांड है उसको 100% टोंक जिला के किसी भी गांव को चाहे देवली में आ रहा हो चाहे निहारे हो चाहे हमारा बालपुरा हो चाहे टूक हो किसी भी की विधानसभा के क्षेत्र के किसी आदमी को वंचित नहीं रह देंगे। ईआरसीबी के अंदर चाहे मासी में पानी डालना हो चाहे छोटी सागर हो चाहे गढ़वा हो जितने भी बड़े बांध हो चाहे बालपुरा के जितने भी बांध है कोई भी बांध हो आपको सुखा नहीं छोटे किसान के अंदर पानी डालेंगे हर गैस में पानी लेके आएंगे। और ये हमारी सरकार ने काम चालू कर दिया। कई लोग कहते हैं कि आप लोग ये वादा करते हो वादा नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी कभी ढूंढ रहे हैं, मोदी जी की गारंटी चालू होगी और 90% पैसा आप लोग ताजुब करोगे 90% पैसा जो हमारी सरकार पूर्वोत्तर सरकार वसुंधरा राजे के समय में जो हमने 2400 MCM जो पानी का जो DPR बनाए थे उसको। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।